3:45 और हम घर से निकल चुके हैं। तो टाइम हो रहा 3:45 और हम घर से निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं भाईंदर ईस्ट। अभी बहुत जल्द अपना टॉप बॉक्स आने वाला है। टॉप बॉक्स आएगा तो सेडल बैग भी आएगा। तो टॉप बॉक्स और सेडल बैग के लिए हमें चाहिए है एक अच्छा सा एक ब्रांडेड टॉप रैक चाहिए और सेडल स्टे चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं जो पहचान वाला है, तो वहाँ पे कैसा 2-3 कंपनी का ब्रांड है उनके पास। पीएस कस्टम है, मेडोर बाइक्स है, जाना भी है, एचटी करके है वो भी है उनके पास। तो अभी हम लोग ने शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया, भाई ने मंगा भी लिया है, तो हमने फाइनल किया है जाना का। और जाना का हमने मंगा लिया है सेडल स्टे और उसी का टॉप रैक मंगा लिया, क्योंकि डोमिनर पे उसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है और प्लस इंडियन ब्रांड है यार, ट्रस्ट ब्रांड है, तो मंगा लिया है हमने। अब देखते हैं कौन सा आया, क्योंकि उसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आता है। मैंने टाइप 3 मंगाया था, पर भाई बोल रहे एक बार देख लो टाइप 2 भी है अपने पास स्टॉक में, क्योंकि टाइप 3 के लिए टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं, अगर टाइप 2 अच्छा रहा तो टाइप 2 हम डेफिनेटली अपने बाइक में इंस्टॉल करवा लेंगे, क्योंकि जाना कैसा है वो एवरी टाइम ट्रस्ट ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो उसके सर्विस वगैरह के लिए भी हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। उसका डीलरशिप भी है अपने यहाँ पे। तो गाइस, हम कहाँ पे थे? हम थे सेडल स्टे और टॉप रैक पे। क्यों ज़रूरत पड़ती है एक राइडर के लिए? क्योंकि राइडर लोग कैसे लॉन्ग राइड पे जाते हैं, तो उनके सामान होते हैं, उनके बैग्स होते हैं, उनका लैपटॉप होते हैं, उनके बाकी एक्सेसरीज होते हैं, वो रखेंगे कहाँ पे? और कंटिन्यू यार, अगर लॉन्ग राइड पे आप जा रहे हो तो आप अपने बैग पे उसको लगेज की तरह नहीं लेके जा सकते, आपको पेन वगैरह होने, शोल्डर पेन होगा, आपके बैग पे पेन होगा। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप सेडल स्टे और टॉप रैक लगवा के आप वहाँ पे अपने लगेज को बांध सकते हो, या फिर आप कोई भी टॉप बॉक्स वगैरह लेके वहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। तो हम तो लेने वाले हैं टॉप बॉक्स। पहुँच चुके हैं, यहीं तो हमें जाना है। आ चुके हैं हेलमेट अप्पे और सामान अपना आ चुका है। ये रहा अपना सामान जो हमने मंगाया है चाइना का। ये अपना टॉप रैक, ये अपना सेडल स्टे और ये अपनी गाड़ी जो यहाँ पे लग चुकी है। तो चलिए करवाते हैं यहाँ से फटाफट इंस्टॉल और इंस्टॉल में। ये रहा अपना टॉप रैक पन्नी से निकलते हुए। देखो डोमिनो और चाइना का यहाँ पे ब्रांड मिल जाता है। और भाई देखो लुक ग्लोसी नहीं है, जितने भी ब्रांड है ना उनके जो टॉप रैक होते हैं, सेडल स्टे होते हैं, जो अपने गार्ड होते हैं, ये कभी भी आपको ना ग्लोसी में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे मैट। ये रही अपनी फिटिंग सारी इनकी यहाँ पर लगनी है। तो चलिए एक बार इनको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पूरी इंस्टॉलेशन वीडियो आपको एक एक करके दिखाएंगे, कैसे फिटिंग होता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। सफ़ा आने पे एक बेनिफिट होता है यार, अगर शेयर आपको मिल जाएगी और ये अपनी बाइक जो आपके सामने तो भी काम होगा। देख रहे ये भाई अपना जिसको हम दुबई से बुलाए आज के लिए, जो अपना पूरा काम करेगा, तो काम चालू हो चुका है। ये देखिए अपनी सारी फिटिंग जाना का, एक बात बताओ आपको, ये देखिए सारे वॉशर वगैरह देख रहे हैं हम रोबर के देते हैं, ताकि आपके जो सेडल स्टे या फिर टॉप रैक आवाज़ नहीं करेगा। बीच में कैसा यहाँ पे लग जाएगा रबड़, फिर उसके ऊपर आपके सारे बोल्ट फिट करते हैं। देखो ब्रांड में जाने का एक बेनिफिट है, सबसे पहले लगते हैं ये जो वॉशर है रबड़ के, फिर आपके सारे जो बोल्ट हैं। और ये अपना दिखता है कुछ ऐसा फिटिंग्स जो नीचे लगेगा,
यहाँ पे बैठता है, जिससे आपका सेडल स्टे का जो बोलते ना पॉइंट होता है ये यहाँ पे फिट होता है सपोर्ट के लिए, वो यहाँ पे लगेगा। ये एक एक करके दोनों बोल्ट को यहाँ से फिट कर लेना है। फिट करने के बाद ये जो यहाँ पे वाइसर डाल के इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है। अभी इस साइड का फिटिंग्स हो रहे हैं, बीच में रबर डाला हुआ है ताकि आवाज़ ना करे। अभी वन बाय वन करके सारे जो एलंकी है ना उसको टाइट कर लेना है, और अभी आप देखेंगे सब सारे टाइट हो गए। अभी स्टेडल स्टे का लगना बाकी है, एक बार वो भी लग गया तो फाइनल आपको लुक दिखाता हूँ। ये आ चुका है अपना जाना का स्टेडल स्टे, ये लेफ्ट साइड का है। ये देखो यहाँ पर भी डोमिनो डोमिनो लिख के हुआ आएगा। और इसमें एक एडिशनल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना आपको यहाँ पे जेरी कैन माउंट के लिए आपको अलग से स्पेस मिल जाता है। एक एक करके सारे स्क्रू को हम कर रहे हैं यहाँ पे टाइट, और एक बार स्क्रू सारे अच्छे से फिक्स हो जाए फिर आपको हम दिखाएंगे कि फाइनल जो लुक आता है गाड़ी को इस टॉप रैक और सेडल स्टे से पहले वाले से अच्छा आता है कि अब वाला। लग चुका है सजेस्टे एंड टॉप ब्रेक, गाड़ी का फिलहाल लुक ऐसा आ रहा है। एक बार यहाँ से चलते हैं किसी खाली जगह पे, फिर आपको हम दिखाएंगे। जो टॉप रैक और सेडल स्टे था वो तो हमने फिट करवा लिया, इंस्टॉल कर लिया है, और उसकी वजह से जो गाड़ी का लुक आ रहा है यार काफ़ी बल्कि आ रहा है। और यार जाना जो बनाती है ना, जो उसका फिनिशिंग है ना भाई, वो कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, पर जाना पे कैसे ट्रस्ट कर सकते कि वो है इंडियन ब्रांड। तो हम जाना का टॉप रैक और जाना का ही सेडल स्टे दोनों लगवाए। एक्चुअली पहले ही मेरे बाइक में था, बट कैसा वो था आफ्टर मार्केट वाला, मतलब लोकल मार्केट वाला था, तो उससे कलर वगैरह निकलने लगे थे, तो इसलिए हम लोग ने उसको कर दिया चेंज। तो हम लोग आ गए हैं मीरा भाईंदर हाईवे रोड पे, और ये देख रहे हो जो मेरे ऊपर आप बना रहे, ये ब्रिज जब से बन गया ना तब से थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया है, बट जो नीचे के रास्ते हैं ना यार उसे भी तो ठीक कर दो। बाकी जिस काम के लिए हम आए थे काम हमारा हो चुका है, काम और बचा रह गया एक फॉग लाइट का और एक अपना टैंक बैग का। तो टैंक बैग जो हमें चाहिए था वो आया नहीं है, क्योंकि लेना हमें वही है। टैंक बैग में नो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और लाइट में कैसा है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लाइट लाइट ही है, तो लाइट देखते हैं कहाँ से अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि विथ हार्नेस यार बहुत महंगा लाइट जा रहा था 5000। तो 5000 की लाइट लगवा लूँ मैं तो क्या मतलब। तो चलो कहीं नहीं, बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे, और अभी कहाँ जाना नहीं है, अब सीधा जाना है घर पे। प्यार बनाते रहो, और आपका भाई ऐसे ही छोटे छोटे मोड्स मोटो ब्लॉगिंग आपके लिए लेकर आता रहेगा। तो चलिए करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में।